नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल जनता 100 पर। इस वक्त आपको हमारे देश में फिर से कोरोना की लहर को लेकर एक बड़ी खबर बता दें। देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से चिंता की लकीर खींच दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामलों की पुष्टि हुई है। न्यूज एजेंसी PTI के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि JN.1 के नए मामलों में से 19 मामले गोवा में दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल और महाराष्ट्र में एक एक मामला सामने आया है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विवेक पाल ने कहा कि मंगलवार 19 दिसंबर को कोरोना के 500 मामले आए। बीते दो हफ्तों में कोविड से 16 लोगों की मौत हुई। इन लोगों को पहले से कई गंभीर बीमारियां थी। उन्होंने आगे कहा, देश में अभी कोरोना के 2300 एक्टिव मामले में से सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामले हैं। सब वेरिएंट JN.1 का पहला केस अगस्त के महीने में लग्जमबर्ग में आया। धीरे धीरे ये 36 से 40 देश में फैल गया। घबराने की जरूरत नहीं है और हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है। कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में केरल में 292, तमिलनाडु में 13, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 9, तेलंगा और पुडुचेरी में 4 मामले आए हैं, जबकि दिल्ली और गुजरात में 3 और पंजाब गोवा में 1 मामला आया है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार 20 दिसंबर को देश भर में स्वास्थ्य सुविधा की तैयारियां की समीक्षा की और कोरोना वायरस के उभरते स्वरूप के प्रति सतर्क रहने पर जोर दिया। मांडविया ने बताया कि इसको लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। कई इस बारे में जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंगलवार 19 दिसंबर को ही कोरोना वायरस के JN.1 सब वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया था। साथ ही कहा था कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। WHO के अनुसार यह अब ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा से जुड़े BA.2.86 वासुकर्मा से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने COVID-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में क्लासिफाइड किया, लेकिन कहा कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा नहीं है। JN.1 को पहले इसके मूल वंश BA.2.86 के एक हिस्से के रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। WHO ने कहा, मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर JN.1 से उत्पन्न अतिरिक्त वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को वर्तमान में कम माना गया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक WHO ने कहा कि मौजूदा टीके JN.1 और COVID-19 वायरस के अन्य सर्कुलेटिंग वेरिएंट से होने वाली गंभीर बीमारी और मृत्यु से रक्षा करते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों से मजबूत निगरानी और सीक्वेंस शेयरिंग जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि वायरस बदल रहा है और विकसित हो रहा है। WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन करें। वहीं WHO ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, डॉक्टर मारिया वान कैरको ने सर्वसन संबंधित बीमारियों COVID-19 और JN.1 सब वेरिएंट में मौजूदा उछाल के बारे में बात की है। WHO स्थिति का आकलन करना जारी रखता है। इस छुट्टियों के मौसम में अपने परिवार और दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए WHO की सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन करें। इसी के साथ भारत में सामने आ चुका है JN.1 का मामला। बता दें कि 8 दिसंबर को भारत में भी JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। केरल में एक 79 वर्षीय महिला इससे संक्रमित हुई थी। इस मामले के सामने आने पर केरल समेत पड़ोसी राज्य अलर्ट हो गए थे। वहीं सोमवार 18 दिसंबर को केंद्र सरकार ने कोरोना की स्थिति पर निगरानी रखने और अलर्ट रहने से संबंधित सलाह राज्यों के लिए जारी की थी। केंद्रीय राज्यों को सलाह दी कि वे RTI PCR समेत पर्याप्त टेस्ट सुनिश्चित किए जाएं और पॉजिटिव नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं। साथ ही देश में कई राज्यों में COVID-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। COVID-19 के JN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने पर मद्देनजर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया। सभी राज्यों और कोरोना की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। PIB की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर बल दिया कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच निरंतर और सहयोगपूर्ण कार्यों के कारण
इसके प्रसार को रोकने में सक्षम रहे। हालांकि कोविड 19 वायरस फैलना जारी है। भारत में मौसम के अनुकूल इसकी स्थिति और बढ़ जाती है, जो कि अन्य सामान्य बीमारियों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके साथ कोविड नियंत्रण और प्रबंध को लेकर अहम निर्णय आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए राज्यों को अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की सलाह दी, ताकि सर्वसन संबंधित स्वच्छता का पालन करते हुए बीमारी बढ़ने के जोखिम को कम किया जा सके। राज्यों से कोविड 19 के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से साझा किए गए संशोधित निगरानी रणनीति के विस्तृत परिचालन दिनादर्शक का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। राज्यों को नियमित आधार पर एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र सर्वसन संक्रमण मामलों को जिलेवार निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, ताकि ऐसे मामलों को शुरुआती बढ़ती प्रवृत्ति का पता लग जा सके। राज्यों को सभी जिलों में कोविड 19 परीक्षण दिशा निर्देश के अनुसार पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने और RT-PCR और एंटीजन परीक्षणों की अनुशंसित हिस्सेदारी बनाए रखने की सलाह दी गई है। राज्यों और RT-PCR प्रशिक्षणों की संख्या बढ़ाने और पॉजिटिव नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कॉन्सोर्टियम प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ताकि देश में नए वेरिएंट यदि कोई हो तो उसका समय पर पता लगाया जा सके। राज्यों को अपनी तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित ड्रिल में सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। राज्यों को सामुदायिक जागरूकता को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि सर्वसन स्वच्छता के पालन सहित कोविड 19 के प्रबंधन में उसका निरंतर समर्थन प्राप्त हो सके। इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए जनता सो।